नमस्कार किसान भाइयों, आज हम श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के हाइब्रिड बाजरा बीज 8860 के फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों की खरीफ के सीजन में जो बाजरा फसल है, मुख्य फसल है, और ये फसल आप लोगों के लिए चारे के रूप में देख लीजिए, दाने के रूप में देख लीजिए, दोनों रूप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। आज हम हाइब्रिड बीज श्रीराम 8860 के बारे में बताएंगे, उसकी विशेषताएं किस प्रकार से हैं। जैसे पहली विशेषता के बारे में मैं चर्चा करूंगा, श्रीराम 8860 की जो सिरा है, लंबाई है, ठोस है, ऊपर तक भरा हुआ है। इसका फायदा क्या है? जो पक्षी है इसको चुगते हैं तो इसको चुग नहीं पाएंगे और इसको आपका दाने का नुकसान नहीं होगा। बरसात का मौसम होता है तो बरसात का पानी जब इस सिरे पे पड़ता है तो किसी प्रकार से अंदर नहीं जाएगा और बाहर रिस कर ही नीचे चला जाएगा, तो आपका दाना खराब नहीं होगा। तो आपका जो अंततः जो मंडी में बेचने जाएंगे उत्पाद, उसका भी आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। जो श्रीराम 8860 है उसकी फुटान 4 से 5 फुटान औसतन आती है। जब आपका बाजरे जो सिरा बनता है ऊपर तक, तो 4 से 5 सिरा ऊपर तक बनता है, और किसी प्रकार का झोंका, किसी प्रकार का अगर हवा चलती है तो वो आपके पौधे को गिरने भी नहीं देगी, तो उस नुकसान से भी आप बच जाएंगे। अगली मैं बात करता हूँ मजबूत तना गिरने के प्रति सहनशील। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा खेत खड़ा है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई लॉजिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई पौधा टूटा नहीं है और किसी प्रकार का इसमें गिरावट नहीं है, तो तना मजबूत है। अब मैं अगले बात करता हूँ, एक समान ऊंचाई 8 से 9 फीट के पौधे, 8 से 9 फीट का आपके पास में बाजरा होगा तो सिरा काटने के बाद में आपकी कड़प भी लंबाई मिलेगी, आपको कड़प ज्यादा मिलेगी, पैदावार तो मिलेगी, पशुओं के लिए चारा भी आपको ज्यादा मिलेगा। पकाओ के समय तक हरा और पूरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, हरा है, और पत्ती में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। कि आपका अगर चारा हरा है तो आप मशीन से कुट्टी करके आप लोग जो है इसको पशुओं के लिए खिला सकते हो। दूसरा, पत्ती में कोई बीमारी नहीं है, पौधे में शक्ति बनी रहेगी, किसी प्रकार का पैदावार में नुकसान नहीं होगा। और जो खास बात है, भरपूर पैदावार क्षमता, इसके सिरे या सिट्टे, सारे सिरे समान आकार के मिलेंगे आपको, दानों से पूरे ठसे ठस मिलेंगे और ऊपर तक भरे हुए मिलेंगे और दाने बिल्कुल खराब नहीं होंगे, तो ये आपकी पैदावार को सुनिश्चित करता है, ये आपकी पैदावार को बढ़ाता है। जो आपका कॉम्पैक्ट है, ठोस है, ऊपर तक भरा हुआ है, दानों से भरा हुआ है, दानों का नुकसान नहीं है और किसी प्रकार का दाना खराब नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पर इस श्रीराम हाइब्रिड बाजरा 8860 से भरपूर पैदावार क्षमता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। एक और मुख्य खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो है इसका पकने का दिन 85 से 90 दिन में तैयार है। ये सामान्यतः ये अवधि दे गई है पौधे की पूरी मैच्योरिटी, मतलब उसके पकाव की। आपका बाजरा समय पे कट जाएगा तो आने वाली फसल, जैसे सरसों की बुआई करते हैं आप लोग, गेहूं की बुआई करते हैं, वो भी आप समय पर कर पाएंगे। आप लोग जो है कुछ और पूछना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो आप लोग जो है एक एक करके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पानी का जो जल स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है, और क्या है कि हमको ऐसी जो जाति चाहिए बाजरे की, जो भाई कम समय में पक जाए, जो हमारी बरसात का पानी होता है उसी को हम काम में लेके, तो आपकी कोई ऐसी जाति है? आपकी जो वैरायटी है श्रीराम 8860 85 से 90 दिन में तैयार हो रही है, ठीक है, और मैं 90 दिन की बात भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आप जहाँ जिस फसल प्रदर्शन में आए हैं उस फसल को आप देखिए, वो फसल आज के दिन में तैयार है। तो मैं मानता हूँ कि श्रीराम 8860 वैरायटी भी बेस्ट वैरायटी है आप लोगों के लिए, जो कम पानी में और जल्दी पकने वाले में सूट करती है। और कोई किसान भाई सवाल पूछना चाहते हैं? जी पूछिए। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि दिखने में तो अच्छा है, पैदावार में कैसा है? पैदावार आपके सिरे की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। आपका सिरा अगर मोटा है, ठोस है, तो आपकी जो पैदावार है, जो हम लोग प्रदर्शन लगाते हैं और जहाँ पर भी पूरे एरिया में जहाँ प्रदर्शन दिखाते हैं, वहाँ का औसत जो हमने निकाला है लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास इसकी पैदावार
हमने प्राप्त किए। ये साहब आपका श्रीराम 8860 बाजरा काफी अच्छा देखने में लगा, बढ़िया है, पैदावार भी अच्छी दिख रही है। बाकी हमारे यहाँ चारे की बहुत कमी है, इसमें चारा जैसे पशु को चरने में कैसा लगता है? इसकी जो कड़ब है बिल्कुल हरी है। कुछ बाजरे ऐसे देखे होंगे आपने, पकने के बाद भी पीले पड़ जाते हैं, बीमारी लग जाती है, सूख जाते हैं, पर यहाँ पर पूरी हरी कड़ब है और कड़ब भी मजबूत है, आप लचीली कड़ब है। जब आप कुट्टी करके पशुओं को खिलाएंगे तो पशु बड़े चाव से खाएंगे, तो आपकी चारे की समस्या भी इस वैरायटी से श्रीराम 8860 से समाधान इसका हो रहा है। अब हम आपको हमने जो बातें बताई है उसके बारे में वास्तविकता के रूप में लाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप आइए और खेत का निरीक्षण करिए मेरे साथ चलकर। सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसकी ऊंचाई तो लगभग 8.5 फीट तक इसकी हाइट जा रही है। मैं दूसरी आप बात आपको बताई थी कि मजबूत तना और गिरने के प्रति सहनशील, मजबूत तना है और लचकदार है, तो ये आपको ये देता है कि आपका बाजरा गिरेगा भी नहीं। तो आप देखिए फुटान ज़्यादा होने का जो इसका जो गुण है उसके साथ साथ इसकी जड़ें भी बिल्कुल फैलावदार है, मजबूत से अंदर से जमीन से बिल्कुल मजबूताई से पौधे को पकड़ रखा है, तो ये पौधा किसी प्रकार से गिरता भी नहीं है। सामान्यतः भाषा में जो जड़ें निकल रही है ऊपर से, ये जड़ें भी नीचे जाके जमीन में लग रही है, तो इस वजह से पौधे को ये मजबूत बना रही है। ठोस बेलनाकार सिट्टा ऊपर तक दानों से भरा, दाना बिल्कुल जमा हुआ है, इससे पक्षी भी चुग नहीं सकते, आप नुकसान भी नहीं होगा, तो ये इसकी पैदावार क्षमता को ये निर्धारित करता है। हम सामान्यतः बात कर रहे हैं कि 4 से 5 फुटान आती है, तो यहाँ पर मैंने सभी प्रकार की फुटान ली है। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी है, ठीक है। इधर देखिए ये अलग है, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 से 5 फुटान आपकी निश्चित तौर पर ऊपर तक जाके सिरा बना रही है। यहाँ पर हमने 10 सिरे जो हमारे पड़ोस में लग रही इसी खेत में वैरायटी है उसके लिए है और 10 सिरे इसके लिए है। मैं आपके सामने इसको तोल कर बताऊंगा। ये श्रीराम 8860 10 सिरों का वजन 1 किलो 238 ग्राम है। अब ये सिरे लिए मैंने अन्य वैरायटी से, इसका वजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अन्य वैरायटी है इसमें 887 ग्राम है। तो आप लोगों ने वजन के आधार पर देखा वजन ज्यादा है, तो अगर पूरे खेत की बात करते हैं तो प्रति एकड़ कम से कम 2 क्विंटल का फर्क आपको नजर आएगा। 8860 में 2 क्विंटल पैदावार आपको कम से कम ज्यादा नजर मिलेगी और 2 क्विंटल का फर्क आपका सीधा सीधा मंडी में आप लेकर जाते हैं 1400-1500 रुपए का भी बाजरा बेचते हैं तो 3000 से लेकर 3500 तक का फायदा प्रति एकड़ 8860 बाजरे में आपको ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा मुनाफा होगा। ये हमारी श्रीराम 8860 वैरायटी है, ये भी लगभग 26 सेंटीमीटर के आसपास, और फिर भी इसके बावजूद भी इसमें वजन ज्यादा हो रहा है और इसमें वजन कम है क्योंकि ये आपका ऊपर से खाली है और ये पूरा बिल्कुल ठोस भरा हुआ है, दानों से भरा हुआ है। तो हमने देखा कि आपके जो हमारी जो 8860 है और अन्य किस्म में लगभग 350-350 ग्राम वजन लगभग ज्यादा है, तो अगर 10 सीटों का वजन में 350 ग्राम ज्यादा है तो एक सिरे का जो डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना हो गया, लगभग 30 से 35 ग्राम का एक सिरे में अंतर है। पूरा का पूरा बाजरा हरा खड़ा है और बिल्कुल पक चुका है, कटाई लायक है। आप भले इसको सिरों को काट के अलग से रख दीजिए, सुखा दीजिए और इस कड़बी को कुट्टी करके और पशुओं को खिला दीजिए, स्वादिष्ट चरी है, पशु भी चाव से खाएंगे और बढ़िया दूध उत्पादन होगा आपका। श्रीराम कंपनी का 8860 बाजरा काफी साल से लगाता हुआ आ रहा हूँ मैं, पिछले साल भी प्लांट लगाया था, अब की साल भी लगाया, अच्छा पका हुआ, अच्छी लंबी हाइट है और मतलब 8 से 9 फीट की लंबाई है इस पेड़ की और मतलब अच्छा सिट्टा है जो पकाओ में और भरे हुए अच्छे मतलब मजबूत और नहीं कोई बारिश के कारण से पानी इसके अंदर जाएगा, नहीं मतलब ये चिड़ी चूंकला जानवर वगैरह में मतलब नुकसान भी नहीं हो पाएगा। 8860 वैरायटी में कड़वी का भी फर्क है, बाजरे में भी फर्क आएगा, बिगे में साहब कम से कम 2-3 क्विंटल का फर्क आएगा। इसमें 4 से 5 फुटाव आ रहे हैं, बीमारी कहीं नहीं आ रही और पैदावार बहुत ही अच्छी है इसकी, वो तो हम मार्केट में हम होलसेलिंग कर रहे हैं जिसका हमको बहुत ही अत्यधिक फायदा हो रहा है और हर साल निरंतर सेल बढ़ती जा रही है।
इस बाजरे की डिमांड बहुत ही अच्छी है, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मैंने देखा है बहुत बढ़िया फसल है 88-60। एक तो इसकी हरी पत्ती है नीचे से ऊपर तक, एक इसका सिरा है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल भरा हुआ है ठसा ठस का, और औरों से बहुत ही बेस्ट है ये। इसको भींचते हैं तो इसमें चुगने का भी कोई डर नहीं है, पक्षियों का भी। अगली साल मैं भी बोऊंगा और भी किसानों को बताऊंगा कि इस बीज को आप बो, बहुत बढ़िया पैदावार है, अच्छी पैदावार है। ये मजबूत जड़ वाला है पौधा, इसका मजबूत जड़ होने के कारण ये गिरता नहीं है। दूसरा इसके बाद में क्या है, इसमें जो पत्ती है वो पत्तियों की संख्या और बाजरों की बजाय ज्यादा है, तो कुट्टी इसकी बढ़िया बनती है। तना है, लंबा है, बढ़िया है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात हमें नजर आई कि और जो बाजरे की जो किस्म है उनमें क्या है, जैसे सफ़ेद ये पीली पीली धारी, इस तरह की धारी का जो रोग है वो लग जाता है, इसमें इस तरह का रोग नहीं लगता है और ये पकाव की अवस्था तक हरा बना रहता है। तो इसका जो सिट्टा है वो मजबूत है, ठोस है। और जो इसमें सबसे जो फायदा ये होता है कि अगर इसको मान लो अपन अगेता भी बुआई कर देते हैं तो अगर अकेला खेत रह जाता है तो पक्षी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं और ये वैसा का वैसा रहता है। और जो प्रति जो हेक्टेयर है या प्रति बीघा के हिसाब से जो इसका उत्पादन है जो अन्य प्रजाति हैं बाजरे की उनसे अधिक मिलता है।